एक समय श्री सूत जी ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा कि गुरुदेव, कृपा करके आप मुझसे माघ मास का महामत्य कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। व्यास जी कहने लगे कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के पश्चात पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभायमान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग, व्यास, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। उस वन में वनस्थली अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। कहीं कहीं मृगों के झुंड फिरते थे, कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं गैंडों का समूह हाथियों के समान फिर रहा था, कहीं वृक्षों के कोटरों में बैठे हुए उल्लू अपना भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं सिंहों के पदचिन्हों के साथ घायल मृगों के रक्त से भूमि लाल हो रही थी, कहीं दूध से भरी थनों वाली सुंदर भैंसें फिर रही थीं, कहीं पर सुगंधित पुष्प हरी भरी लताएं वन की शोभा को बढ़ा रही थीं, कहीं बड़े बड़े पेड़ खड़े थे तो कहीं पर उन पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर और उनकी केचुलियाँ भी पड़ी हुई थीं। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज़ सुनकर एक मृग वन में से निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौकड़ियाँ भरता हुआ आगे बढ़ा। राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु मृग पूरी शक्ति से भागने लगा। मृग कांटेदार वृक्षों के एक जंगल में घुसा और राजा ने भी उसके पीछे वन में प्रवेश किया, परंतु दूर जाकर मृग राजा की दृष्टि से ओझल होकर निकल गया। राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे अति दुखी हो गया। दोपहर के समय अधिक मार्ग चलने से सैनिक थक गए और घोड़े रुक गए। कुछ देर बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा, जिसकी किनारों पर घने वृक्ष थे। इसका जल सज्जनों के हृदय के समान स्वच्छ और पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। जल में अनेक प्रकार के जल जंतु, मछलियाँ आदि स्वच्छता से इधर उधर फिर रही थीं। दुष्टों के समान निर्दयी चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। किसी किसी जगह लोभी के समान शिमाल भी पड़ी हुई थी, जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों को दुखों को हरने वाले दानी पुरुष के समान यह सरोवर अपने जल से सबको सुखी करता था। जैसे मेघ चातक के दुख को हरता है, इस सरोवर को देखकर राजा की थकावट दूर हो गई। रात्रि को राजा ने वहीं विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे और चारों तरफ फैल गए। रात के अंतिम समय में सूकरों के एक झुंड ने आकर सरोवर में पानी पिया और कमल के झुंड के पास आ गया। तब शिकारियों ने सावधान होकर सूकरों पर आक्रमण किया और उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय सब शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए और राजा प्रभात हुआ देखकर उनके साथ ही अपनी नगरी की तरफ चल पड़ा। जिसका शरीर तपस्या और नियमों के कारण बिल्कुल सूख गया था, जो मृग छाला और बक्कल पहने हुए था और नख रोम का केश धारण किए हुए था, राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से उनको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तपस्वी ने राजा से कहा कि हे राजन, इस पुण्य शुभ मार्ग में इस सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ से क्यों जाने की इच्छा करते हो? तब राजा ने कहने लगे कि हे महात्मन, मैं तो महामास में स्नान के फल को कुछ भी नहीं जानता। कृपा करके आप विस्तार पूर्वक मुझको बताइए।